दोस्तों आज के इस वीडियो में होने वाला है दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स के बीच में कंपैरिजन। जी हाँ, आईफोन 12 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखने वाले हैं कि एप्पल का A14 बायोनिक चिप वर्सेस एक्सिनोस 990 में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इनकी परफॉर्मेंस में। तो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बूट करते हैं दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले बूट हो पाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने थोड़ी सी लीड ले ली है। जी हाँ, जो लोगो होता है वो आ चुका है सैमसंग की तरफ से और एप्पल का भी लोगो आ चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि पहले कौन सा फ़ोन बूट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्पल का फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, वो स्क्रीन पे आ चुका है, जबकि पहले लीड पे था सैमसंग, लेकिन अब एप्पल का फ़ोन कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट बूट इन दोनों ही फ़ोन्स का। चलिए अब चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के दूसरे राउंड्स की तरफ और यहाँ पर हम करने वाले हैं टोटल 4 राउंड। तो दोस्तों सबसे पहले राउंड में हम करने वाले हैं एंटूजू बेंचमार्क को टेस्ट। देखते हैं कि कौन से फ़ोन के क्या स्कोर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को। और दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि टेस्ट पहले कंप्लीट कर लिया था आईफोन 12 ने। हालांकि यहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो भी आईफोन 12 के हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है इनके स्कोर्स में। जी हाँ, 5,44,000 गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और 5,72,000 आईफोन 12, तो स्कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों स्पीड टेस्ट के सेकंड राउंड में हम करने वाले हैं एक वीडियो को रेंडर। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले वीडियो को रेंडर कंप्लीट करता है, और ये वीडियो रेंडर हम करने वाले हैं फिल्मोरा गो के थ्रू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में है सेम वीडियो क्लिप। तो चलिए इसको करते हैं रेंडर 720 पिक्सल्स पे और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले कंप्लीट कर लेता है इस वीडियो का रेंडरिंग। और दोस्तों यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लीड देखने को मिल रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ। जी हाँ, आईफोन 12 काफ़ी ज़्यादा पीछे है नोट 20 अल्ट्रा से। तो दोस्तों सैमसंग ने तो कंप्लीट कर लिया है रेंडर और अभी तक सिर्फ 50% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है आईफोन 12, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है रेंडरिंग स्पीड में। अब इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो एप्लीकेशन हो वो एंड्रॉयड के लिए ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ की गई हो, तो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस राउंड का विनर मुझे देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। चलिए दोस्तों अब बारी है थर्ड राउंड की, जहाँ पर हम करने वाले हैं एप्लीकेशन को लॉन्च। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी एप्लीकेशन फास्ट ओपन करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड था ये, क्योंकि यहाँ पर 9 एप्लीकेशन हमने टोटल ओपन की, जिसमें से 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई हैं आईफोन 12 में, 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में, और 3 बाकी के एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है इनकी स्पीड में, इनकी परफॉर्मेंस में। हालांकि यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि जो हैवी एप्लीकेशन थी, जैसे कि COD या फिर अल्सवार्ड 9 या फिर कुछ गेम्स, वो आईफोन 12 में थोड़े से फास्ट ओपन हो रहे थे, लेकिन जो बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन थी
थी वो हमें एंड्रॉयड में फास्ट देखने को मिल रही थी। तो ये डिफरेंस ज़रूर हमने नोटिस किया, लेकिन जो परफॉर्मेंस था मुझे लगता है कि लगभग बराबर से हमको देखने को मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं लास्ट और फाइनल राउंड की तरफ, जहाँ पर हम एप्लीकेशन लॉन्च तो करेंगे ही और मेज़र करेंगे इसको स्टॉप वॉच के थ्रू, लेकिन साथ में यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को भी। और दोस्तों ये राउंड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कोर्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, 1 मिनट एंड 57 सेकेंड। हालांकि मिली सेकेंड का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी मिनट नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोन्स का जो स्पीड है वो लगभग हमें सेम देखने को मिला है। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन लॉन्च टाइम था वो भी लगभग 1 मिनट और 37 सेकेंड था, 1 मिनट 36 सेकेंड था, तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ओवरऑल जो हमें यहाँ पर स्कोर देखने को मिल रहे हैं वो लगभग सेम हैं। तो दोस्तों फाइनली एप्पल A14 बायोनिक चिप मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, नो डाउट ये फास्टेस्ट है और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो हमने यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किया उसमें मुझे एक्जीनोस का 990 भी कहीं से भी कम नहीं लगा, इनफैक्ट ये भी लगभग वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। तो A14 सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ऐसा तो मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला। चलिए बाकी हम कंपैरिजन करेंगे स्नैपड्रैगन 865 या फिर दूसरे चिपसेट के साथ में, तब देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।